खबर पखांजूर से है, जहां मतदान का समय समाप्त होते ही झारखंड पुलिस ने ब्रह्मानंद नेताम पर शिकंजा कसा है। ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड पुलिस ने किलेपार मतदान केंद्र से हिरासत में लिया। झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद को हिरासत में लेकर जा रही थी कि कार्यकर्ताओं ने हाराडूला के पास रोक दिया और जमकर विरोध किया। भारी विरोध के बीच पुलिस को ब्रह्मानंद नेताम को छोड़ वापस लौटना पड़ा। माहौल इतना घाम का रहा कि स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। घंटे भर से अधिक समय तक चले इस माहौल के बाद बीजेपी के बड़े लीडर के पहुंचते ही ब्रह्मानंद नेताम को अपने काफिले के साथ सुरक्षित ले गए। सर, आज जो है झारखंड पुलिस आई थी रोकने के, ब्रह्मानंद नेताम को पकड़ने के लिए, क्या कहेंगे बताएंगे? देखिए, नैतिक रूप से भूपेश बघेल पराजित हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश को लगातार षड्यंत्र करने में लगे। आज आखिरी समय में पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छोड़कर ब्रह्मानंद के पीछे लग जाए, इसलिए ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी का नाटक ये कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भूपेश बघेल के हर सवाल का जवाब देगा और अब तो हाईकोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। और कुछ क्या आदेश आया कि भारतीय जनता पार्टी का झारखंड का कोई हाईकोर्ट? देखिए, हाईकोर्ट का आदेश आ जाएगा, पर आज हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश कर दिया। रांची हाईकोर्ट झारखंड की टीम अभी लौट गई है कि यहाँ पे मौजूद है, गिरफ्तारी का हो? अरे भाई, आदेश की कापी नहीं आई है, पर हमारी वकील से बात हुई है, उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने, राज्य हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सर, झारखंड पुलिस, झारखंड सारे नाटक के पीछे पोलिंग बूथों पे गड़बड़ी करने के लिए भूपेश बघेल सब नौटंकी करा रहे हैं। सर, झारखंड पुलिस अभी भी कांकेर में मौजूद, क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड पुलिस मौजूद अपनी इच्छा से नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री की मित्रता है। झारखंड के विधायकों को प्रोटेक्शन दिया था भूपेश बघेल, तो भूपेश बघेल का एहसान चुका रही है झारखंड पुलिस आकर। सर, वही कांग्रेस भूपेश बघेल जी का कहना है कि हमारे जब उनकी जब कार्यकाल हुआ तो उसे बीजेपी की सरकार, तो 3.5 साल क्या कर रही थी झारखंड की पुलिस? अब तो 3 साल से हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री है ना, और जो धाराएं लगी इसमें तो 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी थी। तो हेमंत सोरेन अपनी दोस्ती निभा रहे हैं भूपेश बघेल से। सर, भाजपा नेताओं की झारखंड के साथ क्या बातचीत हुई? हमने एक लाइन की बात की है कि आपके पास सर गिरफ्तारी वारंट, आप गिरफ्तारी वारंट दिखाइए, और हमने लिख के दिया है कि हम 8 तारीख के बाद आप जहाँ कहेंगे वहाँ उपस्थित होने को तैयार है। गिरफ्तारी वारंट नहीं था इनके पास? इनके पास कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं, गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश कर दिया है। शाम तक हमारे पास कॉपी आ जाएगी। भीड़ कब तक यहाँ पर मौजूद रहेगी? हम अपने प्रत्याशी को यहाँ से सुरक्षित लेकर जाएंगे, इसके लिए हमको जो संघर्ष करना पड़े वो संघर्ष करेंगे। 4 दिनों तक ब्रह्मानंद नेताम कहाँ रहेंगे? क्षेत्र में रहेंगे, अभी लगातार अपने क्षेत्र में संपर्क करते रहे। यही गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, उसके बाद भी गिरफ्तार करने आना, ये हाईकोर्ट का अपमान है, हाईकोर्ट की अवमानना है। हम हाईकोर्ट में अवमानना के लिए झारखंड पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस के खिलाफ में हम झारखंड हाईकोर्ट जाएंगे। अगर उनमें दम है तो आ जाए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हम करारा जवाब देंगे। सर, कॉपी आपके हाथ में है, कॉपी आपके हाथ में है सर, सर क्या कहेंगे? सर, कॉपी अब आपके हाथ में आ गई सर। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।